सही है आपने कहते हैं ये वीडियो उसके सामने लीजिए किसके एलईडी के सामने ब्लर होगा जब आएगा तब फायदा सीखा तो एलईडी के सामने होगा ठीक वीडियो आप सबका तभी मान लीजिएगा अभी किसी का सर ये लुक कैमरा मैम यहाँ पे देखिए ये वीडियो चलेगा लोग यहाँ पे लोग यस लोग एक्सक्यूज मी लोग अरे वो लोग अमन सर आइए ना यार लोग थैंक यू सामने देखो वैसे पूरा पोस्ट भी नहीं मिलने वाला पूरा अरे वहां का जा रहा है तू सब सामने देखिए रो 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 टर्न रो टर्न सपोज करो अरे कहां गए पाजी नीचे पापे क्रॉप हो पापे नीचे तो अच्छा मुझे पापी बोल दादा क्रॉप मत काट दिए थे अच्छा है ये कड़ा हो जा काट देंगे वन मोर नमस्कार मैं बॉलीवुड एक्टर रमेश गोयल जैसा कि मैं अपने जीवन में काफ़ी फिल्में देख चुका हूँ ट्रेलर देख चुका हूँ टीजर देख चुका हूँ लेकिन जो आज टीजर और ट्रेलर देखा उसमें एक नयापन है रूटीन में नहीं है वो ट्रेलर कहानी भी कुछ तरह की है कि एक ब्रोकर को जो है तीन लड़कियां किसी तरह से किडनैप करती हैं फिर गेम आगे चलता है तो ये एकदम नया सब्जेक्ट है और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये फिल्म जो है अपने आप में एक नए ट्रैक की फिल्म होगी ऐसा मुझे लग रहा है मैंने भी इसमें छोटा सा रोल किया है डॉक्टर का वो एक अलग बात है लेकिन फिल्म का जो थीम है वो एकदम नया है ये एक ब्रोकर है तीन लड़कियां और वो भी तीन लड़कियां बहुत खूबसूरत बहुत मॉडर्न ग्लैमरस एकदम तो किस तरह से वो ट्रैप करती हैं और आगे स्टोरी बढ़ती है तो ये मेरे समझ से तो बहुत अच्छी फिल्म है और डायरेक्टर जो नैन पचौरी हैं बहुत ही टैलेंटेड हैं और यंगेस्ट डायरेक्टर हैं इंडिया के
मेरे ख्याल से इतना छोटी उम्र में कोई भी इतनी अच्छी फिल्म बनाने में थोड़ा सा डर लगता है प्रोड्यूसर को डायरेक्टर लेने में, लेकिन प्रोड्यूसर ने हिम्मत की, अशोक राहुल जी जो खुद भी जो है हीरो भी है इसमें, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जिस तरह से डायरेक्टर ने काम हम लोगों से लिया है, स्टारों से लिया है, जो नए नए स्टार अपकमिंग स्टार्स हैं इस फिल्म में, ज़्यादातर सभी नए लोग हैं। विजेंद्र काला जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, वो तो हमारे विजेंद्र काला जी का जवाब नहीं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। तो लुभ बिलवा भी है कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और जिस हिसाब से मेहनत की गई है और इसमें जो इन्वेस्टमेंट है, जिस तरह से इनका बजट है, बहुत अच्छा बजट था, सबको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिला। और इन द लास्ट मैं यही कहूँगा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है और आपके माध्यम से इस फिल्म की पब्लिसिटी जिस तरह से होगी और माउथ पब्लिसिटी होगी तो फिल्म गारंटी से कुछ एक अच्छा नया अपना करिश्मा दिखाएगी। और मेरी इन द लास्ट बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी टेक्नीशियंस, स्टाफ, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, सबको, सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे यहाँ पर याद किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, थैंक यू। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरे को। और जैसे मैंने अभी बात की कि नयन अपकमिंग बहुत अच्छा यंग टैलेंटेड डायरेक्टर है, राइटर है, सोच उसकी बहुत ही गंभीर और बहुत डीप सोच है उसकी, और जिस तरीके से वो मतलब कहानी को बुनता है और उसके साथ मतलब ये एक बहुत बड़ी एज नहीं है उसकी, मतलब छोटी उम्र का लड़का है, और जिस तरह से वो धीरे धीरे करके अपने आप को निखार रहा है, ये बहुत बड़ी एक बात है और अच्छी बात है कि मतलब कि आने वाले समय में इस तरह के, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना हमारे यहाँ सिनेमा का स्कोप भी बढ़ गया है और जिस तरह से के डायरेक्टर्स आ रहे हैं, जिस तरह के सोच के न्यू कमर्स बच्चे आ रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है और सिनेमा के लिए बहुत अच्छी बात है। नई कहानियाँ आ रही हैं, नई सोच आ रही है, तो उससे क्या है कि आपका जो एक बेंचमार्क है वो टूटता है, उसके आप आगे जाते हैं और हिम्मत करते हैं कि मतलब सिनेमा को एक नई दिशा दें। तो सभी इन्हीं बच्चों पे डिपेंडेंट है और डेफिनेटली मतलब इनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगता है, हमको सीखने को मिलता है। सर आप बड़े एक्टर्स के साथ भी काम करते हैं और छोटे एक्टर्स के साथ भी काम करते हैं जो शुरुआत कर रहे हैं, जी। कितना इजी और डिफिकल्ट होता है और कौन सा पार्ट सबसे डिफिकल्ट होता है बड़े स्टार्स के साथ काम करना है फिर छोटे जो शुरुआत करना है? एक्चुअली क्या है ना, वो सब एडजस्टमेंट आपकी ऑन द स्पॉट जब आप शूट पर जाते हैं तो वो सब हो जाती है। जो न्यू कमर है उसके साथ उस तरह की होती है, जो सीनियर मोस्ट होते हैं उनके साथ जब आप करते हैं तो वो एक एडजस्टमेंट होती है, वो एक आइस ब्रेक जब हो जाता है तो काम सब आसान लगने लगता है। सर इसके अलावा कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट? बस कुछ नहीं, अभी आने वाली पिक्चर है मेरी भारत, तो 5 तारीख को, तो उसके बारे में मैं क्या बोलूँ, उसके बारे में दुनिया बोल रही है। सर भारत को जिस तरह के ट्रेलर को प्यार मिला है, हाँ, लगता है कि ये सलमान खान की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है? यार मतलब होनी चाहिए, तो क्योंकि मैं ट्यूबलाइट में भी कर चुका हूँ और अब भारत में भी मैंने किया है, तो देखो ऊपर वाले की मर्जी है, अच्छा होना चाहिए, बहुत बेहतर होना चाहिए। बहुत मेहनत हुई है फिल्म में डेफिनेटली। मेरा किरदार उसमें क्या कहना चाहिए कि भारत जिस तरह से सलमान प्ले कर रहे हैं, उनका नाम है भारत, तो हम लोग जब जॉब के लिए जाते हैं तेल कंपनी में काम करने के लिए, मिल में, उसमें अंदर अंडरग्राउंड, तो गैंग है हम लोगों का जो कि मतलब नौकरी की तलाश में आपके दुबई आबू धाबी जाते हैं, और वहाँ जाकर के जो स्ट्रगल होती है, तो हम 5-6 लोग हैं तो वो भारत गैंग में शामिल हैं, मजदूर हैं सारे के सारे, तो वो एक कैरेक्टर है जो कि इंटरेस्टिंग है, एक जर्नी है, तो बहुत लंबी जर्नी है पिक्चर में जिस तरह से सबको पता ही है भारत की, तो वो एक टाइम पीरियड है करीब 10-15 साल का जिसमें हम लोग इन्वॉल्व हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरा नाम रानी अग्रवाल है, इस फिल्म में मैं श्वेता का रोल प्ले कर रही हूँ। श्वेता एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है स्टोरी की, शी इज़ नॉट वन ऑफ द 3 जो जतिन को ट्रैप कर रही है, वो जतिन की लव इंटरेस्ट है और स्टोरी में बहुत सारा चेंजेस आते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ श्वेता, तो एंड में वो जतिन रेस्क्यू होता है या नहीं होता है और श्वेता की वजह से होता है या नहीं होता है, आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है मूवी में। yes.
मैंने जब ये फिल्म का नरेशन मुझे दिया था नयन ने, तब मुझे पता चला था कि ये रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड है. एक्चुअली एक दूध वाला था नागपुर में जिसको तीन लड़कियों ने ट्रैप किया था. यहाँ पे जतिन इज प्लेइंग अ हाउस ब्रोकर और इंस्पायर्ड है ऑफकोर्स, वहाँ डिट्टो हमने कॉपी नहीं किया है. तो ऐसा कुछ हुआ है कि तीन लड़कियों ने एक लड़के को ट्रैप किया है घर में. मेरे लिए इट वॉज़ लाइक अ शॉकिंग थिंग कि ऐसा भी कुछ हो सकता है. और ऑफकोर्स ट्रू इंसिडेंट है और एंड में क्या होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है. सो आई वुड अर्ज एवरीवन टू वॉच दिस मूवी. और बहुत रेलेवेंट है क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें होती है, क्योंकि जो हम इमेजिन नहीं करते हैं वो चीज़ें होती है. हम लोग न्यूज़पेपर्स में रोज़ पढ़ते हैं अरे ऐसा कैसे हो सकता है, और उसमें से ये एक स्टोरी है जो हमने बड़े पर्दे पे बनाने की कोशिश की है. क्योंकि इट्स नॉट लाइक यू नो कि शॉर्ट फिल्म कर लो या वन एपिसोड में कुछ कर लो. हमने इसको एक्चुअली एक फीचर फिल्म बनाया है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए ट्राई किया है. सो आई होप एवरीवन गोज एंड वॉचेस दिस फिल्म ऑन 14 June 2019. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, किस तरह का किरदार होने वाला है और कैसे ऑन बोर्ड आया, थोड़ा सा बताइए. एक्चुअली ये मेरे लिए भी एक सरप्राइज ही था, बिकॉज मैं पहले दो जो मेरे टीवी के शोज चल रहे थे वो मैं कर रही थी, तो राहुल मेरे पास आए स्क्रिप्ट लेके. तो ठीक है, पर मुझे उतना पहले ना मतलब जो होता है समझ नहीं आया. पर जब मैं डायरेक्टर से मिली नयन, उसको देखी तो और मैं वो हो गई कि मैं फिल्म करूँ या ना करूँ, कितना बच्चा है. बट उसने जब नरेशन शुरू किया नैन, आई वॉज लाइक आई वॉज शॉक्ड कि इतने छोटे से उम्र में, वो सो यंग एंड इतना अच्छा विजन है, इतना अच्छा स्टोरी है. एंड तभी मैंने सोचा कि यस मेरा मैं ही करूँगी. एंड फिर भी बहुत सारे डेट्स को लेके इश्यूज हो रहे थे, पर थैंक्स टू राहुल, थैंक्स टू नयन, थैंक्स टू होल टीम जिन्होंने मेरे लिए वेट किया एंड लिटरली मुझे मीरा करने का मौका दिया. एंड बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि ये कैरेक्टर जो अपने आप में मैं आज भी सोचती हूँ जब मैं देखती हूँ कि 10% भी मैं ऐसी नहीं हूँ. मैं नहीं हूँ. ट्रेलर अगर आप लोगों ने देखा होगा, आपको लग रहा हो कि मैं बहुत डरावनी या साइको, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है. इस ट्रेलर में भी आपने सिर्फ मीरा का आई थिंक आई वुड से कि आपने 10 या 20% देखा है. ये जो कैरेक्टर है थ्रू आउट द फिल्म बहुत ही ज़्यादा सस्पेंसिव है, और धीरे 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 ये स्टोरी जिस तरह से रिवील होगी आगे चल के, तब जाके आपको पता चलेगा. एंड आई एम ब्लेस्ड दैट आई प्लेड मीरा. एंड रेस्क्यू मेरे लिए पहली फिल्म है एंड 14 June को ही आने वाली है. आई स्टिल कांट बिलीव इट, बिकॉज येस्टरडे वॉज लाइक आई वॉज मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, मैं रोड में थी, तब राहुल का फ़ोन आता है वैसे कि इशिता ट्रेलर लॉन्च हो रहा है. तो मुझे ये नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि इज इट एक्चुअली हैपनिंग. एंड खुश हूँ या इरिटेड हूँ, बट दैट्स वॉट. एंड बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ सबके लिए. ये फिल्म एक बेबी जैसा है, लाइक हमारी ये मतलब ये हमारी पहली फिल्म है. सो दैट्स वॉट, होप फॉर द बेस्ट. एंड आई होप कि दर्शकों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगे. और जिस तरह से आपने टी वी में मुझे एज इशिता गांगुली ने बहुत प्यार दिया है, फिल्म ये मेरी पहली फिल्म है. आई होप आप लोग मुझे पसंद करेंगे और पूरे फिल्म को आप पसंद करेंगे, क्योंकि ये सच बताया जो पहले ट्रेलर में, ये पैसे से कॉन्टैक्ट से ऐसे बहुत सारे फिल्में बनते हैं, बट हमारे पास तो मतलब आप देखा जब वो पैसा या कॉन्टैक्ट ऐसा कुछ नहीं था. हमने सारे मेहनत से, दिल से, एकदम दिलो जान से फिल्म बनाई है सारे टीम मेंबर ने. और होप फॉर द बेस्ट. थैंक यू. थैंक यू. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योर कैरेक्टर एंड रेस्क्यू क्या होने वाला है ऑडियंस के लिए, थोड़ा सा बताइए कहानी के बारे में, किस तरह की कहानी है. ओके, सबसे पहले नमस्ते, मेरा नाम है मेघा शर्मा, जो रियल नाम है, और रियल नाम है आयशा. सो रेस्क्यू मूवी के बारे में मैं अपने कैरेक्टर के बारे में बताती हूँ. पहले ये एक आयशा नाम की लड़की है जो बहुत ही ग्रे कैरेक्टर प्ले कर रही है इसमें, बहुत कम स्माइल करती हुई दिखेगी एज नाउ कि रियल लाइफ में मैं बहुत नॉटी और टॉकेटिव हूँ. बट जब मैंने ये सुना कि हमारे रेस्क्यू मूवी में मुझे ग्रे कैरेक्टर प्ले करना है और साइको का कैरेक्टर प्ले करना है, आई वाज लाइक कि डू आई लुक लाइक साइको. माय फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक डू आई लुक लाइक साइको.
दे वर लाइक कि अगर तुम स्माइल बंद कर दोगे ना तो यू विल. तो फिर ऐसे करके मेरे कैरेक्टर को इन्होंने बिल्ड किया पहले. सो यस, मेरे कैरेक्टर मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और बहुत ही चैलेंजिंग था क्योंकि आप एकदम से ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने आप को. और 15 डेज में मैंने लगता है वर्कशॉप लगा के अपने आप को कर लिया था और बाहर निकलने में मुझे 2-3 महीने आराम से लगे थे और मैं सबको ऐसे देखती थी एक ही लुक और सब मुझे सोचते थे इश इज मैड और व्हाट. तो मैं उनको सीधा जाके बोल देती थी यार प्लीज़ डरो मत यार, मैं कैरेक्टर से बाहर आ रही हूँ, आ ही नहीं हूँ अभी तक. सो ये मेरे कैरेक्टर के बारे में है, आयशा के बारे में. और मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगी क्योंकि फिर सस्पेंस ख़त्म हो जाएगा ना मेरे कैरेक्टर का. और रेस्क्यू के बारे में मैं ये बताना चाहूँगी कि ये स्टोरी बहुत अच्छी है, बहुत डिफरेंट है. और हमारे डायरेक्टर जैसे आपको पता है बहुत यंग है, इज़ जस्ट 21, बट उनका हार्डवर्क देख के और उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है. सो मैं यही कहूँगी सबको, ऑडियंस को, कि प्लीज़ गो एंड वॉच रेस्क्यू क्योंकि हम सब ने इसमें बहुत मेहनत की है और प्लीज़ हमारी मेहनत को सराहें. थैंक यू. यार मैं कितना कॉन्टीन्यूसली बोल सकती हूँ.